अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 405 का लेसन नंबर 34 एंड 35। ये दोनों जो लेक्चर्स हैं ये मिक्सअप हुए हैं कुछ चीज़ें इनकी, तो हम देखते हैं द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ डोनर्ड एंड मिलर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बायोग्राफिकल स्केच भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये जो व्हाट इज लर्निंग दिया हुआ है ये सारा जितना भी बताया हुआ है ये लेसन नंबर 35 में भी बताया हुआ है, ये हम वहाँ स्टडी करते हैं। और इसमें सबसे पहले द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी बताया हुआ है, जिसमें इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बताई है कि जो डोनर्ड एंड मिलर थे उन्होंने पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर में काम इंटरेस्ट लिया है, जबकि उन्होंने लर्निंग और पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट को ज्यादा फोकस किया है, इनके कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर किया है। उसके बाद डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी क्या होता है, जो हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ के आए हैं, डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी को पर्सनैलिटी के डायनेमिक्स होते हैं, किस तरह इंसान उनको फेस करता है। डेवलपमेंट पर्सनैलिटी में क्या होता है, उन्होंने बताया हुआ है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिंपल इन्फेंट इन द कॉम्प्लेक्स अडल्ट, सिंपल से अब कॉम्प्लेक्स अडल्ट में इलेबोरेट करते हैं, उसको स्टडी किया है डोनर एंड मिलर ने, जिसके अंदर इनेट इक्विपमेंट, द लर्निंग प्रोसेस, सेकेंडरी ड्राइव, हायर मेंटल प्रोसेस, द सोशल कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये चीजें शामिल हैं जिनको हम लेक्चर नंबर 35 में डिटेल से पढ़ते हैं। इट मीन्स का लेसन नंबर 34 में आपका नॉट मच इम्पोर्टेंट। लेसन नंबर 35 में हम पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये मैंने कहा नहीं सारा मिक्स हुआ हुआ है। यहाँ पे पर्सनैलिटी ऑफ डेवलपमेंट का सबसे पहला है इनेट इक्विपमेंट। इनेट इक्विपमेंट क्या होता है कि वो चीजें जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने एग्जाम्पल दी है कि बेबी जो है वो उससे ऑलरेडी वो सीखता भी नहीं है, बल्कि उसे ऑलरेडी पता होता है कि जब भी स्नीज होती है वो किस तरह करता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो चीज़ें वो पेरेंट्स से सीखता है वो ये होता है कि वो उसकी पैम्परिंग करते हैं उसको, मतलब कि अगर उसे बच्चे को कहीं भी पेन होती है तो वो रोना शुरू कर देता है। ये चीज़ें वो होती हैं, बेसिक होती हैं, जो कि ऑलरेडी बच्चे के अंदर, बेबी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। इनेट इक्विपमेंट में बेसिकली वही चीज़ें आती हैं जो ऑलरेडी जो बेबीज होते हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद फिर द लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, व्हाट इज लर्निंग, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को स्टडी करते हैं और अंडर द सर्कमस्टांसेस हम डिफरेंट चीजों को, डिफरेंट स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करते हैं। सबसे पहले वन मस्ट वांट समथिंग, मतलब अगर हम कुछ हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं तो वो ड्राइव है, नोटिस समथिंग को क्यू स्टिमुलस, और डू समथिंग कुछ करना, किसी का कुछ करते हैं हम, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स में आता है, और गेट समथिंग, अगर हम कुछ हासिल करते हैं तो वो हमारे रिवार्ड में आता है। आगे हमारे पास है सेकेंडरी ड्राइव एंड द लर्निंग प्रोसेस। अब ये सेकेंडरी ड्राइव, पहले हमने जो पढ़ा था इंटेंट में, उसमें ये होता है कि बेबी के अंदर कुछ चीजें जो होती हैं वो उसे मतलब सीखनी नहीं पड़ती, थोड़ी बहुत वो सीखता है, बाकी उसके अंदर मौजूद होती हैं। सेकेंडरी ड्राइव एंड लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि बच्चा हर चीज जो है वो अपने पेरेंट्स से, अपने इन्वायरमेंट से, अपनी सोसाइटी से सीखता है, ठीक है। आप जिस तरह बच्चे को सिखाएंगे वो बिल्कुल वैसा ही एक्ट करेगा, ये हम लेसन नंबर 33 में डिटेल से पढ़ के भी आए हैं। ये जो PSY का लेक्चर है ये काफी लेंथी है और इसमें कुछ लेक्चर मतलब सेम ही बात हो रही है बार बार। अब हम ये लर्निंग जो है वो पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। हायर मेंटल प्रोसेस क्या होता है, हायर मेंटल प्रोसेस में उन्होंने बात की है कि दो वराइटीज होती हैं, ठीक है। एक तो होता है कि इंसान गाइड करता है बाय सिंगल क्यू, और दूसरी ये होती है जिसके जो मेडिएट की जाती है बाय इंटरनल प्रोसेस के जरिए, ठीक है। सिंगल क्यू क्या होता है कि आप किसी भी चीज, कोई भी एक्शन है, आप उसका रिस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की बेस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इन्वायरमेंट आपको फोर्स करता है कि आपने इस बात का ये जवाब देना है, ये इस काम को आपने इस तरह परफॉर्म करना है। और फिर जो है ना इंटरनल प्रोसेस में ये होता है कि आप अपने माइंड से, आप अपने बिहेवियर, अपने माइंड की थॉट की बेस पर उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंट है, इसका आपने याद रखना है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट क्या होता है, उन्होंने कहा जो डोनर्ड एंड मिलर है, इन्होंने कहा कि इंसान का जो क्रिटिकल स्टेज है डेवलपमेंट का वो 5 साल तक है। जब बच्चा जब 5 साल का होता है वो जो कुछ सीखता है, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट वो सीखता है या जो भी इमोशनल्स और जिस तरह भी वो सीखेगा, बिल्कुल वो अपनी लाइफ में वैसे ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। उन्होंने बच्चे के पहले 5 साल को बहुत ज्यादा तरजीह दी, उन्होंने कहा कि ये 5 साल जो होते हैं ये क्रिटिकल स्टेज है डिवेलपमेंट का। द सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, पीछे हमने सोशलाइजेशन पढ़ा था, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। सोशल कॉन्टेक्ट क्या होता है कि ये वो न्यूरेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इज नॉट ओनली लर्न बाय अ चाइल्ड, मतलब जो सिर्फ बच्चा सीखता नहीं बल्कि उनको रियलाइज भी करता है, और ये प्राइमरली तौर पर सीखता है और फिर इसके रिजल्ट्स भी देता है, ठीक है।
this unfortunate capacity of the parent for impairing the child's development stems in part from the fact that culture, मतलब अगर बच्चा नहीं भी सीखना चाह रहा तो कल्चरली उसके अंदर वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब के सोसाइटी की बेस पे इंसान के ऊपर इम्पैक्ट कर जाता है, इफेक्ट कर जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ द मॉडल अनकॉन्शियस प्रोसेस, फ्राइड के साथ डोनाल्ड और मिलर ने एग्री किया कि इंसान की अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं जिससे वो कुछ चीजों को परफॉर्म करता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि वो चीजें जिसमें मतलब कि दो चीजों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, या तो आपने उसको एक्सेप्ट करना होता है या आपने रिजेक्ट करना होता है। इसमें सबसे पहले अप्रोच आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी चीज पे किसी चीज को अचीव करने जा रहे हैं तो उसके अगर आपके किसी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है, या उसने बताया हुआ है कि कोई भी किसी भी किस्म के स्ट्रॉन्गर या ग्रेडियंट ऑफ एविडेंस की बात की है। थर्ड अजम्पशन उन्होंने बताई हुई है कि इसमें भी वही स्टिपर देन द ग्रेडियंट अप्रोच के बारे में बात की जा रही है। और मतलब सिंपल जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उन्होंने बात की है कि हमारी जो ड्राइव होती है, ठीक है, वो हमें इंक्रीज करती है कि हम किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है तो आपने इसको किस तरह रिजोल्व करना है, या आपने उसको उस तरह ही लेते हैं जैसे आपके अंदर आपका माइंड और आपकी सोच और आपकी जो ड्राइव है वो आपको इंसर्ट कर रही होती है। और उसके बाद उन्होंने लास्ट पे ये बात की है कि अगर दो कंपीटिंग रिस्पॉन्सेज हैं उसमें से हमेशा विन वही करता है जो स्ट्रोंगर होता है। हाउ न्यूरोसिस इज लर्न, न्यूरोसिस कैसे सीखे जाते हैं? न्यूरोसिस हमेशा पेरेंट्स से सीखे जाते हैं। सबसे पहली बात, इसमें न्यूरोटिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और डिफरेंट न्यूरोसिस भी होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा होता है वो क्रिटिकल लर्निंग की जो सिचुएशन होती है उसकी वो फीडिंग होता है, फीडिंग सिचुएशन होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग, सेक्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ टू कंट्रोल एग्रेशन, ठीक है, अपने अपने गुस्से पे किस तरह काबू रखना है, किसी भी एंग्जाइटी में अपने किस तरह फेस करना है, ये सारी चीजें जो होती है न्यूरोसिस में आती है, जो कि बच्चा सीखता है अपने पेरेंट्स से, जिसे न्यूरोटिक कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी पर डोलन एंड मिलर ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ न्यूरोसिस के डेवलपमेंट को कंसर्न नहीं किया बल्कि उन्होंने बकायदा ट्रीटमेंट भी किया इसका, जिसमें उन्होंने एक पूरी थ्योरी मतलब के बनाई। और थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो थेरेपिस्ट होते हैं उनको जो भी उनके पास पेशेंट आता है उसको इस तरह फोकस करें कि उसके साथ अच्छी जो है इंकरेजमेंट रखें, उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाए पहले अपना, ताकि वो खुल के उसके साथ सारी बात कर सके, उसके साथ पोलाइट और काइंड रह के बात करें। करेक्टरिस्टिक रिसर्च एंड रिसर्च मेथड्स में क्या बात हो रही है कि जो सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन, जैसे हम पहले भी पढ़ के हैं, इस पर स्टडी किया था डोनाल्ड एंड मिलर ने और इन्होंने डिफरेंट किस्म की रिसर्चेस की, और इनके रिसर्च मेथड भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए और आगे समरी बताई हुई है। यही था हमारा लेसन नंबर 34 एंड 35, जिसके अंदर हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा और न्यूरोसिस के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।